मेरे बेडरूम से व्यू बताई थी, अभी आप लोग हॉल से देखो कितना प्यारा खूबसूरत लग रहा है। 18 फ्लोर से देखो ये फॉग का व्यू कितना माशाल्लाह मस्त लग रहा है, एकदम सुकून लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स कैसे हो आप सब, आई होप आप लोग सब लोग ठीक हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। मॉर्निंग का जो 9:30 होकर जा चुका है और अभी मैं जा रही थी किचन में लंच प्रिपेयर करने, शावर मेरा हो गया है तो लंच प्रिपेयर करके फिर मैं क्लिनिक चली जाऊंगी। तो मैं प्रिपेयर होने के मेरा मॉर्निंग का रूटीन शेयर करूंगी, स्किन केयर रूटीन, तो अभी आप लोगों को थोड़ी देर में मैं शो करूंगी। अभी सबसे पहले चलिए किचन में चलते हैं और अंडे का पुलाव प्रिपेयर करते हैं, एक का पुलाव बनाएंगे आज लंच के लिए, ठीक है? तो चलो अभी किचन में। दादा हंसता बोला कहीं बोला करा बोला कॉपी बोला लाइक कर ऐसा करा सब सब करा लाइक कराओ बराबर आए मैं देख रहा हूँ बटाटो है ना मम्मा तो खाते ही बोला काम धरना कर पानीपुरी मैंने छोटे ना मेरी ताजी के लिए वेस्ट लगते ये मिर्ची की पेस्ट का कैसे कबाब भी कब बनाया ना नागरिक झटके को यूज करना रवती मिर्च ऐसा मालूम वहां करता वैसे भी मस्त कशाला सुट्टी मिल जात ना सस्ता पण तिकीट ना सस्ता तिकीट ना मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स निकाल चुकी हूँ, मैं आप लोगों को बताती हूँ मैं क्या बना रही हूँ इसमें, ठीक है? ये मैंने बॉइल्ड चार एग ली हूँ, ये चार बॉइल्ड एग ली हूँ, फिर हम लोग चार लोग ही हैं, तो उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रही हूँ।
तो चलो जल्दी से भी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम नहीं है, पौने 10 होने आ गए, मुझे क्लिनिक जाने के लिए रेडी भी होना है। ठीक है, तो चलो जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को क्विकली बता देती हूँ। देखो सबसे पहले मसाला ग्राइंड करने के लिए मैंने 1 टीस्पून से हल्का ज्यादा चिकन मसाला लियो और इस 8 से 10 जो है ब्लैक पेपर लियो। यूजुअली ग्रीन चिलीज लूंगी, स्पाइसीनेस आप लोग आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने जीरा लियो, 1/2 टीस्पून सौंफ लियो और 1/2 टीस्पून फुल गरम मसाला पाउडर। अब इसमें ये 2 स्मॉल साइज के टोमेटो ऐड करूंगी ग्राइंड करने के लिए। मेरा जिंजर गार्लिक का पेस्ट रेडी है फ्रेंड्स, इसलिए मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास नहीं होगा तो इस पॉइंट पे ऐड कर देना, पेस्ट प्रिपेयर कर लेना इसी के साथ में। 1/2 इंच जिंजर लेना और 5 से 6 जो है गार्लिक के क्लोव्स ले लेना। ये 4 अंडे के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, हमारी फैमिली छोटी है तो ज्यादा खाना नहीं बनता है। सीड्स में रिमूव कर देती हूँ टोमेटोज के। चलो जल्दी से इसको ग्राइंड कर लेते हैं। मैं इधर डस्टबिन में टाकन इस लून जा वही बटाटा तो मैं क्या लेती हूँ। चलो मसाला जो ग्राइंड हो चुका है, अब जल्दी से पुलाव की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पुलाव है तो घी तो मस्ट है। देखो 1 टीस्पून फुल घी ऐड कर रही हूँ। अब तो घी खत्म हो गया तो जितना है उतना ऐड कर रही हूँ। हम लोग ये गोवर्धन का घी ऐड कर रहे हैं, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है और एकदम प्योर फॉर्म में रहता है ये। ऑयल ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून जितना, ज्यादा तेल नहीं ऐड करूंगी, हल्का ही ऐड करूंगी। मेरी रेड चिली पाउडर ऐड करूंगी अभी हल्की सी। अभी टाइम नहीं है, यही पैन में मैं ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स देखो अभी 4 अंडे इसमें ऐड कर रही हूँ जो बॉईल किए हुए, इसको जो स्टर करके रिमूव कर देना है। देखो फ्रेंड्स अभी जैसे जैसे 1 मिनट कम्प्लीट हो रहा है, एग की स्किन जो है हल्की सी आप लोग देख सकते कैसे चेंजेस हो रहा है स्किन पे। अब इस पॉइंट पे इसको रिमूव कर देना, कंप्लीट 1 मिनट ही रखना है। जस्ट देख लेना कि मतलब कब तक ये स्किन चेंज हो रही है, फिर इसको रिमूव कर देना है एग्स को। एग्स हम अभी एंड में ऐड करेंगे जब मसाला अच्छे से सौते हो जाएगा। जो मसाला मैंने ग्राइंड की थी वो ऐड कर दूंगी। अभी देखो 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टेबलस्पून फुल। अब इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड करूंगी, देन चॉप्ड कोरिएंडर धनिया, इसको स्किप मत करना, इसे अच्छा फ्लेवर आता है पुलाव में। ये हल्का सा जैसे अभी मसाले का पानी ऐड करी ताकि मसाले से जल ही ना। देखो फ्रेंड्स तेज पत्ता ऐड करना ही भूल गई, वो ऐड कर देती हूँ। देखिए पुलाव में अच्छा सा फ्लेवर आने के लिए एक एग में ऐड करती हूँ, इसमें एक अंडा तोड़कर ऐड करती हूँ ताकि चावलों में फिर उसका अच्छा फ्लेवर आता है। ये 1/2 कप में फ्राइड ऑनियंस ऐड कर रही हूँ।
अगर आप लोगों को फ्राइड ऑनियंस ना हो तो जब ऑयल और घी ऐड करिए तो उस टाइम पे तब उस पॉइंट पे जो ऑनियन को फ्राई कर लेना। मैं बिरिस्ता प्रिपेयर करके रखती हूँ, जो लोग मेरे पुराने फॉलोवर्स हैं तो लोगों को पता होगा। तो अच्छे से भूनना है जब तक ऑयल रिलीज नहीं होता है मसाले से। फ्रेंड्स बहुत क्विक बन जाती है। अभी वो तो पोटैटो ऐड कर दी, तो अच्छे से रिलीज हो गया है। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ ताकि पोटैटो कुक हो जाए। ये आप लोग देख सकते हो ऑयल अच्छे से रिलीज हो गया है। और फिर एंडिंग में जो फ्राई करके मैंने एग्स रखी थी तो वो ऐड करूंगी। अभी आगे का स्टेप मम्मा करेंगे क्योंकि ऑलरेडी 10 o'clock हो गया है, वरना मुझे क्लिनिक जाने लेट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब जल्दी से मैं रोटी खाती हूँ और फिर क्लिनिक जाने के लिए रेडी होती हूँ। फ्रेंड्स फेस वॉश कर लियो और टॉवल से पैड ड्राई कर लियो। अब जल्दी से मैं टोनर अप्लाई करती हूँ। टोनर के लिए मैं पिक्सी का ग्लो टोनिक यूज करती हूँ। फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा है टैनिंग बोर्ड। सबसे बेस्ट पार्ट ये टोनर का मुझे ये लगता है कि ऑल स्किन टाइप से है और बहुत अच्छा सा ग्लो प्रोवाइड करता है फेस पे। हद तक कम हो गए। एक्चुअली वो वीडियो में पता नहीं क्यों ज्यादा विजिबल होते लेकिन रियल में इतने नहीं है। इसको अच्छे से मैं वाइप अप कर रही हूँ। जब से मैं स्किन केयर अच्छे से फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है मेरे स्किन में बहुत विजिबल डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो आप लोग भी अच्छे से स्किन केयर करना, कब से ज्यादा स्किन केयर पे फोकस करना, बहुत अच्छी स्किन हो जाती है। ये पिंपल्स के मार्क्स भी मेरे बहुत कम हो गए, पहले बहुत ज्यादा विजिबल थे। देखो स्किन जो है अभी ऑलमोस्ट ड्राई हो गई है। मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई करती हूँ। मॉइस्चराइजर के लिए मैं कोलेजन का ये जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ, बहुत अच्छा है। आप लोग एक्ने को कंट्रोल करता है, ये मैं सऊदी से लेकर आई थी। कोलेजन वाला ये मेरा क्रीम है तो इसको मैं यूज करती हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट है। स्किन एकदम सॉफ्ट सफल हो जाती है। बस हल्का सा यूज करूंगी, इतना पी साइज अमाउंट में। फ्रेंड्स आप लोग इसके जगह पे पॉन्ड्स का जो जेल बेस आता है ना वो वाला मॉइस्चराइजर यूज करना, वो भी बहुत अच्छा है। एक्चुअली मैं वाटर बेस्ड है तो वाटर का जितना कंटेंट रहेगा वो इवेपोरेट हो जाएगा और जितना मॉइस्चर स्किन के लिए रिक्वायर्ड रहेगा तो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो हमेशा ऑयली स्किन वाले वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करो, बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। चलो अब इसको मैं एयर ड्राई करती हूँ अच्छे से इसको, ठीक है। उसके बाद सनस्क्रीन लगाऊंगी, लिपस्टिक, दैट्स इट। सनस्क्रीन में फ्रेंड्स मैं ये एक्रन का सनस्क्रीन यूज करती हूँ, मुझे मेरी डर्मेट ने सजेस्ट किए थे। अच्छा सनस्क्रीन है ये, मेरी सेकेंड ट्यूब है, बहुत अच्छा है। ऑयल फ्री है, नॉन ग्रीजी है, मैट फिनिश देता है, नॉन कॉमेडोजेनिक है। और सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे इसका लगता है वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन है, तो इसे स्वेट भी बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है। स्वेट को तो रोक नहीं सकते फ्रेंड्स क्योंकि अपन ह्यूमन बींग्स है, तो बोलते ना पसीना बिल्कुल नहीं आता, तो ऐसा कुछ नहीं रहता है, बस कंट्रोल में रहता है स्वेट, ठीक है। तो इसको मैं अप्लाई करूंगी, पहले थोड़ा हल्का इसको ड्राई होने देती हूँ उसके बाद अप्लाई करूंगी। फ्रेंड्स ये देखो वो जेल जो स्किन में एब्जॉर्ब हो गया, अच्छे से पेनिट्रेट हो गया। अब जल्दी से सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ। चलो हो गया, अब इसको थोड़ा एब्जॉर्ब होने देती हूँ, तब तक लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ। के हिसाब से थोड़ी डार्क लिपस्टिक है तो इसलिए इसको टोन डाउन कर रही हूँ। मेबलिन का ये शो शेड है टच ऑफ स्पाइस, बहुत प्यारा सा मॉविश कलर, तो इसको टोन डाउन कर रही हूँ मैं, जस्ट सेंटर में हल्की सी अप्लाई करूंगी। अब चलो जल्दी से नकाब पहनती हूँ फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ, ठीक है। ब्लैक कलर का बुरखा वेयर की, ये भी मैंने अमृत नगर से ली थी, ये भी न्यू बुरखा है। कैसा लग रहा है जरूर बताना, ऐसा है कुछ ज्यादा इसमें हेवी वर्क नहीं है,
जस्ट डायमंड वर्क है, ये ब्लैक कलर की मैचिंग, और ये मैंने बिस्किट कलर में दुपट्टा इसके साथ में लिए, स्टॉल पेयर की हूँ। कैसा लग रहा है जरूर कमेंट। फ्रेंड्स लंच करके मैं नीचे आई थी मम्मी के यहाँ पे। एक्चुअली में अल्फी की एग्जाम स्टार्ट होने वाली है, तो उसको वही स्टडी कराने के लिए, मेरी छोटी सिस्टर बी फार्मेसी कर रही है, उसका फाइनल ईयर है, तो उसको वही मैं स्टडी कराने के लिए नीचे आई थी। तो चलिए आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हाँ, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूँ आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, ओके बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू सून, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।